ब्रिक्स तंजीम के इजलास का रूस के शहर में आगाज हो गया है। Маннер Прадамантри Джи пред... У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. Хамаре итна риште хэ, ки муже эйсэ лага, ки апко кой анувад нэйн чайе. Рашиян зубан мэ Путин саа бор рэйте, то нэ рашиян зубан мэ хэ каа хэ, ки хамари understanding итни develop хо чуки хэ, хамаре foreign minister мусалсал ек дусро ко милте хэ, ор муже лаг раха хэ, ки мэри body language ор зубан ко Моди саа translator ки мадд ке бэх. सर नरेंद्र मोदी ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए रशिया पहुंच चुके हैं। इस तरीके से उनको ग्रैंड वेलकम किया गया। देखिए वो तो अभी वो पुतिन से मिलकर आए हैं, तो पुतिन ने उनका फिर वैसा ही इस्तकबाल किया। सो मतलब वो वाकई में वो चीज दे रहे हैं जो वो प्रिविलेज दे रहे हैं, वो आप कह लीजिए उस तरीके का भाव दे रहे हैं हम लोगों को, वरना रशियंस किसी को जल्दी भाव नहीं देते, इतना किसी को नहीं देते। ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे, वो दुनिया की बुलंदतरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। बाकी आपने पूछा हम कहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं और इतनी बेशर्मी और ढिटाई से खड़े हैं। आटा मुफ्त मिलेगा या मैयत मुफ्त मिलेगी, बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। वो जानते हैं दूसरी कंट्रीज वाले अपनी कंट्री के साथ इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का EPGAN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय रूस के कजान शहर में हो रहे 2024 का ब्रिक्स समिट के अंदर दुनिया भर की निगाहें और इसके साथ साथ पाकिस्तानियों की भी निगाहें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और इस समिट को होस्ट कर रहे रूसी प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन और इसके साथ साथ चाइना के प्रेजिडेंट शी जिनपिंग पर और इनके बीच क्या आपस में बातचीत हो रही है उस पर टिकी पड़ी है। जिसमें अगर बात करें तो मोदी जी और पुतिन की मुलाकात हो भी चुकी है, जिसकी वीडियोस और फुटेज पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है। और अगर खास तौर से बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, क्योंकि उसकी भी नज़र इस हो रही 2024 का ब्रिक्स समिट पर है, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि वह भी इस ब्रिक्स का मेंबर बने, जिसके लिए पाकिस्तान ने रूस को मनाने की कई कोशिशें भी की है। लेकिन अभी फिलहाल हो रही इस मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो इंटरेक्शन देखने को मिला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिस पर दुनिया भर के मीडिया बात कर रही है। जिसमें खास तौर से एक फुटेज जिसमें पुतिन स्वयं कह रहे हैं कि हमारी रिलेशनशिप यानी प्रधानमंत्री मोदी जी और पुतिन की रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की बात को बिना ट्रांसलेटर के भी समझ जाते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि ब्रिक्स जो है वो उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है, मीटिंग्स जारी हैं। मैंने बल्कि मोदी साहब की जो वहां पे मीटिंग थी उसको बड़े गौर से देखा है। और टाइमिंग के बारे में बात करना चाहूंगा कि व्हाट अ वंडरफुल वर्क डॉक्टर जयशंकर हैज डन। वो वर्क क्या है कि ब्रिक्स में जाने से पहले उन्होंने भारत ने और चाइना ने अपने बॉर्डर को रिजॉल्व कर लिया। 3800 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उसको उन्होंने रिजॉल्व कर लिया। इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। एक क्वेश्चन आता है, भारत को इसमें से क्या मिला है? ब्रिक्स में जाके प्रेसिडेंट शी से मोदी साहब मिलेंगे। और दूसरा, इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं उनका उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। अमेरिकन बाबा जी तो वैसे ही परेशान है, लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो उनके पास भी चॉइसेस मौजूद है। भारत का ये फायदा हुआ है। और चाइना का फायदा ये हुआ है कि वो यहां से एनर्जी बचा के ताइवान पे घेरा डालेंगे। ब्रिक्स की अभी मीटिंग मोदी साहब की जो बड़ी जबरदस्त थी, तो मैंने उसमें से एक जोक पिक किया। रशियन जबान में पुतिन साहब बोल रहे थे, तो उन्होंने रशियन जबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कह के चले हैं। और दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज, आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है। ब्रिक्स को लेके पुतिन साहब से सवाल किए गए, भारतीय सिनेमा को लेकर भी उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि ब्रिक्स नेशंस में अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि रशिया इज द बिगेस्ट फैन ऑफ इंडियन सिनेमा। और आप तो रिसेंटली गए भी थे, तो इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक दिन ऐसी बातचीत हो रही थी, हमारी जो यूनिवर्सिटी है इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो उसमें हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन स्टडीज। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि
वी कैन हैव अ टाई अप और समथिंग लाइक दैट। आप विश्वास नहीं करेंगी, उन्होंने इतना ज्यादा रिस्पांस दिया। हमारी यूनिवर्सिटी का टाई अप हो चुका है मॉस्को स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी से, जो 118 साल पुरानी स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द प्रीमियर वन। दे आर सेइंग कि आप अपने बच्चों को 6 महीना भेजिए, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, हम उनको जो रहने का जो उनका एक्सपेंडिचर है वो $7 a month। $7 a month क्या होता है, अगर 80 रुपए भी लिख ले, 560 रुपए में मॉस्को में आपको एक 6 महीने के लिए वो रहने का वो दे रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहे हैं। एंड दे हैव टेकन सो मच। मैं करीबन 6 यूनिवर्सिटीज में गया, हर यूनिवर्सिटी ने मेरे टॉक को कवर करा, मेरे इंटरव्यू को कवर करा, उन्होंने अपने वेबसाइट के पेज पे डाला। सो दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया। और उनकी एक प्राइवेट रिसर्च सेंटर है जो कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट पुतिन के अंदर में आती है। उसका रीजन ये है कि चूंकि ये लोग काम करते हैं जो रशिया के गन में सैंक्शन लगे हुए हैं, उन सैंक्शन से कैसे इंडियन रशियन एसेट्स को बचाना है, उस लॉ पे ये लोग काम करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने कहा, हमारी मीटिंग हुई वीसी सर के साथ, उन्होंने कहा कि हम लोग फैसिलिटेट करेंगे इंडिया के साथ ब्रिक नेशन के अंदर में ये टाइप को करने के लिए। सो मतलब वो वाकई में वो चीज दे रहे हैं जो ऑप्शंस दे रहे हैं, या आप कह लीजिए उस तरीके का भाव दे रहे हैं हम लोगों को, वरना रशियंस किसी को जल्दी भाव नहीं देते इतना, किसी को नहीं देते यार इतना। But the way they are going forward all the way, ना? पूरी दुनिया में इस वक्त जिस एक समिट की बात हो रही है वो है ब्रिक्स। लेकिन हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि ऐसा लगा है कि जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कितने सालों के बाद रशिया पहुंचे हैं। इस तरीके से उनको ग्रैंड वेलकम किया गया। देखिए वो तो अभी वो पुतिन से मिलकर आए हैं, तो पुतिन ने उनका फिर वैसा ही इस्तकबाल किया। जब उतरे हैं तो वो फुल टाइम भारी भरकम फौजी जवान वहां पर मौजूद थे रशिया के, जिन्होंने पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको रिसीव किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ है कि फिर वो डायस्पोरा से मिले और डायस्पोरा ने उनको वहां पर इंडिया के गीत गाए हैं कि जब भी जहां भी मोदी साहब पहुंचते हैं वहां पे जो इंडिया की कल्चरल वैल्यूज है ना उनको साथ रखा जाता है। वहां पे डांस जरूर होता है इंडिया का, खासतौर पर कथक या भरतनाट्यम रक्स है वो पेश किया जाता है। तो ये देखिए वो वहां पर पेश किया गया और अपने ही अंदाज में एक किया गया। अच्छा, फिर वो पीएम मोदी और जो पुतिन है उनके दरमियान मुलाकात हुई है। पुतिन ने सबको ग्रीट किया है क्योंकि जो जो भी वहां पर पहुंचा तो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से उनको वो उनको लेकर जा रहे हैं। ये मुझे सबसे मजे की तस्वीर एक तो ये लग रही है और दूसरा मुझे ये देखें, ये भी बड़ी जबरदस्त तस्वीर है। ये इसमें पीएम मोदी इशारा कर रहे हैं जबकि इसके अंदर जो है ना ये प्रेसिडेंट पुतिन इशारा कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, आप कॉमेंट में जवाब दीजिएगा कि ये क्या हो क्या रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये है दास्तान। लेकिन देखिए कि जो ये है ना सिचुएशन, इसके बारे में कुछ जो सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन की एक तो ये कि ये जीत है कि उन्होंने वो उनको वेस्ट की तरफ से आइसोलेट नहीं किया जा सका, कोशिशें की गई। लेकिन 36 से ज्यादा दुनिया के बड़े लीडर्स इस वक्त रशिया में ब्रिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। इससे ज्यादा बढ़कर इसमें ये बात की जा रही है कि ये एक क्या इकोनॉमी का टिल्ट है, क्या ये वेस्ट को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है,